गाड़ी हमारे स्कूल के प्रांगण में आई तो उस गाड़ी पर लगी बत्ती को देखकर मेरा बाल मन सम्मोहित हुआ था। लेकिन जैसा कि बाल मन होता है, कुछ घंटों कुछ दिनों में वो जो मेरी यादें थी वो धूमिल हो गई। उसके पश्चात 10वीं कक्षा में फिर से मुझे मौका मिला जब मैं जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा सम्मानित हुई। उस वक्त मैंने तय किया कि इस पद में इस पोस्ट में कुछ तो है कि इसका इतना मान और इतना सम्मान होता है। लेकिन फिर वही चीज़ें हुई कि मैं उन चीज़ों को भूल गई। 10वीं परीक्षा के बाद जब ऐच्छिक विषय चयन का प्रश्न खड़ा होता है, उस वक्त मेरी कुछ सहेलियों ने कहा कि हम तो मैथमेटिक्स साइंस लेंगे और इंजीनियरिंग करेंगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी अपने घर गई और पारिवारिक मत से मैंने भी ऐलान कर दिया कि मुझे इंजीनियर बनना है। उस वक्त बहुत सारे प्रश्न आए कि लड़की इंजीनियरिंग करके क्या करेगी, लड़की को इंजीनियरिंग करवाने का क्या फ़ायदा है। लेकिन वहाँ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने पिता को, जो ढाल बनकर मेरे सामने खड़े रहे और मेरे इस निर्णय का पूरा उन्होंने सम्मान किया और मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करवाई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई 4 साल पूरी करने के बाद मैं फिर से एक ऐसे बिंदु पर खड़ी थी जहाँ से बहुत सारे रास्ते निकल रहे थे और उन रास्तों में से मुझे किसी एक रास्ते का चयन करना था। कोई विशेष गाइडेंस मार्गदर्शन तो मेरे पास नहीं था, लेकिन परिवारजनों से विचार विमर्श किया और तय किया कि बैंक की काफ़ी भर्तियां खुली हुई है और मुझे बैंक का एग्ज़ाम देना चाहिए। इस एग्ज़ाम तैयारी के दौर में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मुझे फिर से उपखंड अधिकारी के कार्यालय में जाने का मौका मिला। उस दिन उनके कार्यालय के बाहर भीड़ को देखकर फिर से एक बार मुझे लगा कि इस पोस्ट के लिए मैं ट्राई कर सकती हूँ। घर आकर मैंने दबी आवाज़ में अपने पिता से पूछा कि उपखंड अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। और उस वक्त ये प्रश्न पूछते वक्त मेरे पिता की आंखों में जो चमक थी, वो चमक मेरे लिए मोटिवेशन बनी। बाद में पता चला कि मेरे पिताजी ने भी अपनी युवावस्था में इन परीक्षाओं की तैयारी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो मैंने तय कर लिया कि मुझे इस परीक्षा को देना है और इसमें सफल भी होना है। तो इसी तरह से आप भी अपना सेल्फ मोटिवेशन देखें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी जर्नी के दौरान मोटिवेटेड रख सकती है। मैंने आर एस 2013 की परीक्षा दी, उसमें मेरी 77वीं रैंक से चयन हुआ। लेकिन चूंकि आर एस के पद कम थे इसलिए मुझे राजस्थान लेखा सेवा अलॉट हुई। मैंने दोबारा प्रयास किया और 2016 में मुझे प्रॉपर आर एस मिला। तो आज जब ये बच्चे किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आए हैं तो एक पैटर्न होता है कि हमारा एक समूह बनता है, हमारा एक ग्रुप बनता है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि अपने उस ग्रुप का चयन बहुत सोच समझ कर करें। जब मैंने प्रारंभिक परीक्षा अपने घर से तैयारी करके पास की, मेंस के लिए मैं जयपुर गई। वहाँ पर शुरुआती दिनों में कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे जिनका हर वक्त यही कहना होता था कि भर्ती तो सिर्फ 700 पदों पर निकली है, हमारा नंबर कहाँ आएगा। हमसे पहले भी बहुत से बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हमारा नंबर कहाँ आएगा। तो मैं भी उन शुरुआती दिनों में काफ़ी नेगेटिविटी से घिर गई थी। फिर मैंने तय किया कि जब परीक्षा तो देनी ही है तो क्यों ना अपना समूह बदल लिया जाए। फिर मैंने 2 ऐसी लड़कियों का चुनाव किया जो मेरे ही बैकग्राउंड से थी। हमारा बस एक ही डिस्कशन रहता था कि भर्ती तो सैकड़ों पदों पर निकली है, हमें तो सिर्फ एक पद चाहिए। और आज हम तीनों लड़कियां आरएस अधिकारी हैं और वो जो ग्रुप जो नेगेटिविटी की बातें करते थे वो आज भी आरएस की परीक्षा दे